ये हुंडई क्रेटा 2017 की है, ये स्विफ्ट 2015 की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में चमचमाती हुई स्कॉर्पियो S2। ये अब आपको दूसरी स्कॉर्पियो दिखाते हैं जो है S2 और काफ़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में चमचमाती हुई। 1,10,000 ये कहाँ की है? धनबाद। शोरूम कंडीशन की चमचमाती हुई ब्रिजा 6,25,000 में, ऊपर से प्राइस नेगोशिएबल है। बोलेरो DI टर्बो SLX 2,70,000 में आपको ये डील मिल रही है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। में 2017 की बोलेरो SLX आपको देखने को मिलती है। ये ब्लू कलर की वेगनार, चारों टायर तो एकदम ब्रांड न्यू लग रहे हैं। पांचों टायर नया, स्टेपनी भी नया, बिल्कुल स्टेपनी भी नया। डॉक्टर की कार थी। 1,25,000 में दोस्तों आपको ये डील मिलेगी, 1,55,000 मिलेगी। और ये झारखंड रजिस्ट्रेशन है, ये 2018 की है, 2018 रांची रजिस्ट्रेशन है। 2,65,000 1,85,000 में आपको ये डील मिल रही है ओमनी की। और आप कितने में ये डील मिलेगी? 1,90,000 में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो गया हूँ स्कॉर्पियो बोलेरो क्रिएटा स्विफ्ट ब्रिजा और कई तरह की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था नदीम जी के साथ, जहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने कहा कि एक बार फिर से जाइए नदीम जी के पास और वीडियो बनाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्कॉर्पियो ही स्कॉर्पियो आपको दिखेगी, दो स्कॉर्पियो आपको उधर दिखेगी, फिर ओमनी दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटा है, ये है स्विफ्ट, और यहाँ पे ब्रिजा बोलेरो और पीछे भी है बोलेरो। तो आइए इसके डील के बारे में जानते हैं, और आपको दो तीन कार मैं आपको ऑफिस में भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए जानते हैं कारों के डील के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्कॉर्पियो बोलेरो स्विफ्ट क्रिएटा और ब्रिजा सभी गाड़ियों के बीच खोसा गया हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस हुंडई क्रिएटा से। उससे पहले दोस्तों हम स्वागत करते हैं नदीम जी का। नदीम जी आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया। नदीम जी हमारे व्यूअर्स को हाय कह दीजिए। हाय व्यूअर्स। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि नदीम जी का नंबर दीजिए, एड्रेस कहाँ है। आज आपको सारी बातें पता चलने वाली है। एड्रेस मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से आप जान लीजिए दोस्तों। हमारा एड्रेस है शमशेर नगर झरिया, नियर SBI ATM। तो दोस्तों आप धनबाद झारखंड आइए और उसके बाद आप SBI बैंक के पास बनिया ही, और उसके बाद आप एड्रेस पे आ जाइए। पिछला बार नदीम जी का नंबर हमने दिया था, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया जिसके कारण नंबर हमें हटाना पड़ा था। और उसके अलावा टाइम होना चाहिए, कुछ टाइम का कोई लिमिट ही नहीं है। कोई सुबह 6 बजे कर देता है, कोई रात में 12 बजे करता है। अच्छा, बहुत तरह की समस्या थी इसलिए नंबर हटाना पड़ा। आइए इस हुंडई क्रिएटा के बारे में जानते हैं। ये हुंडई क्रिएटा 2017 की है, SX मॉडल टॉप 1.6। अच्छा, जमशेदपुर रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, गाड़ी फुल ओरिजिनल है और चली हुई है अप्रॉक्स 53। और इसमें कोई डेंट पे नकली पे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये माइलेज कितना की देती है अभी? क्रेटा का एवरेज वही है 14-15 का। और कितने में हमें ये डील मिलेगी? ये आपको मिलेगी 8,75। और इसकी नई में कितनी कीमत आती है अभी? 14.5 के आसपास। तो दोस्तों 2017 की ब्रांड न्यू कंडीशन की शोरूम कंडीशन की ये क्रेटा मात्र आपको मिल रही है 8,75,000 में। तो डील को करेक्ट कीजिए। आइए अब आपको अगली कार दिखाते हैं। तो दोस्तों अगली डील हम जानते हैं इस स्विफ्ट के बारे में। आइए जानते हैं इस क्या है इस स्विफ्ट की डील। ये स्विफ्ट 2015 की है। अच्छा, धनबाद रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और पेट्रोल VXI मॉडल है। अच्छा, और उसके अलावा गाड़ी जो है आपको 390 में दोस्तों आपको ये स्विफ्ट मिल जाती है। और इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं? VXI में जो फीचर्स आता है, AC पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, अच्छा, पावर ब्रेक। अच्छा, ये माइलेज कितना का देती है? 17-18 का दे देती है। ये डीजल है वेरिएंट है ना? पेट्रोल वेरिएंट है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये स्विफ्ट, डील को करेक्ट कीजिए। और प्राइस नेगोशिएबल माइनर कुछ? तो दोस्तों जब आप यहां आएंगे टेबल पे जब बैठेंगे तो प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगी। आइए अब आपको अगली डील दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में चमचमाती हुई स्कॉर्पियो S2, और आप नंबर जान ही रहे हैं, जमशेदपुर का नंबर है। आइए इसके डील के बारे में जानते हैं। ये 2017 की S2 है जी, और ये भी फर्स्ट ओनर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, ओरिजिनल पेंट है। उसके अलावा गाड़ी में काम तो कुछ भी नहीं है। ये आपको 8,65,000 इसकी नई में कितनी कीमत आती है? ये 13,00,000 रुपए में आती है।
और 8 लाख कितना बताया आप? 65,000। ऐसा क्यों होता है? S2 का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके ऊपर मॉडल से, तो S2 सबसे ज़्यादा भाड़ा में चलती है। अच्छा, तो जितने भी लोग होते हैं भाड़ा में चलाने वाले उनको S2 ही चाहिए। अच्छा, इसलिए S2 का डिमांड है। इसमें माइलेज ज़्यादा मिलती है ना? 15 का माइलेज। और आप जितना अच्छा चलाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा एवरेज आप ले सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, धनबाद में सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो बोलेरो की डील नदीम जी ही देते हैं, और आप जब टेबल पर बैठेंगे तो प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। आइए अब आपको दूसरी स्कॉर्पियो दिखाते हैं जो है S2, और काफ़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में चमचमाती हुई आई, इसके बारे में 2015 की S2 है, देवघर रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, 7,25,000। और इसमें S2 में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? AC, पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, पावर विंडो। अच्छा, S2 में तो नहीं आता है। तो दोस्तों SUV कार है, आप जानते ही S2 के बारे में क्या कहें। आप भाड़े पे भी चला सकते हैं और फैमिली कार के लिए भी रख सकते हैं। काफ़ी दमदार SUV कार है स्कॉर्पियो। और प्राइस आप कितना बताएं? ये इसका 7,25,000। तो डील को करें कि इसमें कोई खर्चा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप कोई और कोई डेंट पर नगली पर? बिल्कुल नहीं। तो आइए दोस्तों डील को करेक्ट कीजिए। अगर आपका सपना था, लेना चाहते थे S2, तो आइए अब आपको दिखाते हैं इस ओमनी की डील। ये ओमनी कब की है और कहाँ की है? 2009 की, धनबाद। अच्छा, और इसमें कुछ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? ओमनी में तो कुछ भी फीचर्स नहीं है। अच्छा, और इसमें कोई टॉप वेरिएंट नहीं आता है ना? नहीं, ओमनी का सिर्फ एक ही मॉडल है। ये 2009 की है। 2009। और इसका टायर कितना परसेंट बचा है? 30-35%। 30% दोस्तों इसकी टायर बची है। इसमें कोई खर्चा भी है क्या? वैसा तो कुछ नहीं, बस जो लेंगे वो अपने एक बार सर्विस करवा लें। अच्छा, और ये माइलेज कितना देती है ये ओमनी? 14-15 का माइलेज। 14-15। और दोस्तों ओमनी के बारे में आप जानते ही हैं, 8-सीटर कार है और भाड़े पे भी खूब चलती है। आइए इसके डील के बारे में जानते हैं। 1,10,000। 1,10,000। ये कहाँ की है? धनबाद। तो दोस्तों 2009 की ओमनी 1,10,000 में, वो भी प्राइस नेगोशिएबल लिटिल बिट। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, अगर आप ओमनी लेना चाहते थे तो 1,10,000 में आपके हाथ में होगी ये ओमनी, और कोई भी खर्चा नहीं है। आइए अब मैं आपको अगली कार दिखाता हूँ। ब्लू कलर में एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन की, शोरूम कंडीशन की चमचमाती हुई ब्रिजा जो है VDI, और काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। आइए इसके डील के बारे में जानते हैं। और ये कॉम्पैक्ट SUV है। VDI है, 2016 की। अच्छा, धनबाद रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और गाड़ी बिल्कुल अनयूज है। अच्छा, ब्रांड न्यू, आप तो देख ही रहे हैं गाड़ी को। अनयूज मतलब? मतलब लेस देन। अच्छा, कम चली हुई है। बिल्कुल। कितने किलोमीटर चली है? 34। 34,000 किलोमीटर चली है दोस्तों। और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? ये AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। अच्छा, और एयरबैग, ब्लूटूथ। अच्छा, और ये SUV कारों में आती है जी। और इसकी माइलेज कितना मिलता है? 21-22। तो दोस्तों काफ़ी कम चली हुई है और एकदम ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन की है। आइए इसकी डील के बारे में जानते हैं। ये 6,25,000। 6,25,000। अभी इसकी नई में कीमत कितनी आ रही? अब तो डीजल बंद हो गई। अच्छा अच्छा, पेट्रोल में इसकी कीमत होगी अप्रोक्स 9,500-9,550। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रिजा VDI है, डीजल वर्जन। बोलेरो DI टर्बो SLX के बारे में क्या है इसकी डील? 2010 की गाड़ी है। अच्छा, 2,70,000। 2010 की है SLX, और आप जानते हैं दोस्तों बोलेरो के बारे में, 8-सीटर कार है और भाड़े पे भी खूब चलती है। और इसका माइलेज तो कितना मिल जाता है ये SLX से? 15-16 का। 15-16 का मिल जाता है, और 2,70,000 में आपको ये डील मिल रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बोलेरो SLX कब की है, कहाँ की है, और हमें कितने में ये मिलेगी। 2017 की बोलेरो SLX है, जमशेदपुर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये गाड़ी आपको मिलेगी 6,500 में। 2017 की बोलेरो SLX आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? AC, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर विंडो। टॉप मॉडल है अपने वेरिएंट की। टॉप वेरिएंट है, और बोलेरो में सबसे टॉप वेरिएंट यही आती है SLX। माइलेज कितना का देती है? 15-16 का देती है। और इसमें कोई खर्चा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, नई गाड़ी है। नई गाड़ी है, और इसमें कोई डेंट पेंट? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और आप जानते ही हैं नदीम जी की गाड़ियाँ बाहर रहती है तो थोड़ा सा डस्ट वस्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्टाफ आया नहीं, अभी स्टाफ आएगा टोटल गाड़ी साफ सफाई की जाएगी। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको जो गाड़ी मिलेगी काफ़ी ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन की मिलेगी। तो चलिए नदीम जी के ऑफिस चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। ये ऑल्टो कब की है? 2014 K10। अच्छा, और कितने किलोमीटर चली है? 56
डिस्ट्रिक्ट। तो कितने में ये डील मिलेगी? 190। 190 में। तो दोस्तों 190 में आपको ऑल्टो K10 मिल रही है, काफ़ी अच्छी कंडीशन की है, तो डील को आप क्रैक कीजिए। और माइलेज तो आप जानते ही हैं, 20 प्लस माइलेज आपको देखने को मिलती है। आइए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्लू कलर की वेगनार के बारे में, कब की है और कितने में हमें ये डील मिलेगी। तो नदीम जी इसकी क्या है डील? ये 2007 की वेगनार है। 2007 की है, रांची रजिस्ट्रेशन, LXI। चारों टायर तो एकदम ब्रांड न्यू लग रहे हैं। पांचों टायर नया, स्टेपनी भी नया, बिल्कुल। अच्छा, स्टेपनी भी नया है। डॉक्टर की कार थी। हाँ दोस्तों डॉक्टर की कार है। और कितने किलोमीटर चली है? 69। दोस्तों 2007 की है, डॉक्टर की कार है, 63,000 किलोमीटर चली है। और इसमें कोई डेंट पे नकली पेंट? कुछ भी नहीं, एकदम ओरिजिनल पेंट में आप देख सकते हैं दोस्तों ये गाड़ी है। और ये माइलेज कितना का देती है वैसे? 17-18 का। 17-18 देती है। और दोस्तों वेगनार के बारे में आप जानते ही हैं, वेगनार सभी लोगों की पसंद है। ये कितने में हमें ये डील मिलेगी? 125। 125,000 में दोस्तों आपको ये डील मिलती है। प्राइस नेगोशिएबल लिटिल बिट। अच्छा, और इसमें कोई खर्चा तो नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं है दोस्तों। अगर आप 125,000 में कोई कार लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 2007 की है और आप जानते हैं अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है, 2022 के एंड तक आपको रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में 15 साल का आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि इको दिखाइए, और इको के बारे में आप जानते ही हैं, भाड़ पे भी चलती है और फैमिली कार तो है ही। आइए इसके डील के बारे में जानते हैं। ये 2010 की है, गिरिडीह रजिस्ट्रेशन। अच्छा, AC इको है। अच्छा, इसमें AC भी मिलेगी? AC। और ये आपको 155। 155 में मिलेगी, 2010 की है, 155,000 में मिलेगी। और ये झारखंड रजिस्ट्रेशन है? गिरिडीह, झारखंड, गिरिडीह की है। और काफ़ी अच्छी डील है दोस्तों, और 2010 की है मारुति इको, मात्र आपको 155,000 में मिल रही है, AC वाली इको। और इसमें कोई खर्चा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो डील को करेक्ट कीजिए। आइए अब आपको अंदर में कुछ कार्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ऑल्टो, और आपको देखने को मिल रही है ऑल्टो 800 और ओमनी। इस ब्रांड न्यू चमचमाती ऑल्टो 800 की क्या है? ये 2018 की है। 2018 है, रांची रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और 265,000। 265,000 में 2018 की ऑल्टो 800 आपको मिल रही है दोस्तों। और इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर ब्रेक। और चारों टायर एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन के एकदम देख रहे हैं। ये तो हमारे पास ही आके लगा है चारों टायर सीएट का। अच्छा, और कितने किलोमीटर ये चली है? 37। और ऑल्टो 800 आप जानते हैं दोस्तों माइलेज 20 प्लस ही देती है, 22-23। और इसमें कोई खर्चा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ब्रांड न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर वगैरह भी, तो कोई भी खर्चा नहीं है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते तो ऑल्टो 800 तो कमाल की डील है और मज़ेदार डील है, तो डील को क्रैक कीजिए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ आज की आखिरी कार ओमनी। तो ये ओमनी कब की है और कितने में हमें मिलेगी? जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्रोम फिनिश भी आपको देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? ओमनी तो मैनुअली सब कुछ होता है। 2014 की है, जमशेदपुर रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये 185। 2014 की 185,000 में आपको ये डील मिल रही है ओमनी की। और आप जानते ही हैं भाड़े पे भी चला सकते हैं, फैमिली कार तो है ही, तो काफ़ी अच्छी डील है दोस्तों। 185,000 में 2014 की आपको मिल रही है। इसमें कोई खर्चा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल की डील है दोस्तों। आज की वीडियो में कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद आई नीचे कमेंट से बताइए।